फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज ये वाला 3D पैटर्न लेके आई हूँ फ्रेंड्स। ये लेडीज कार्डिगन पे, बच्चों की ड्रेसेस पे, जैकेट पे, गर्ल्स की टॉप पे, किसी पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, ये 3D लुक देता है फ्रेंड्स, इस तरह से। तो आइए बना के बताते हैं कैसे बना है ये सुंदर सा डिजाइन। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहले से हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। और अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और सबसे पहले आप वीडियो देखें। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे बनाए प्रोजेक्ट पसंद आ रहे हैं तो अपने फैमिली मेंबर्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर किया कीजिए, ताकि आपके साथ साथ वो सब भी एंजॉय कर सकें। तो आइए करते हैं स्टार्ट। इसके लिए कि ये बेसिक रो मैंने बना ली है, डिजाइन हम राइट साइड से शुरू करेंगे, इसलिए यहाँ एक सिंगल क्रोशिया से एक रो कर लेते हैं। ये सिंगल क्रोशिया से एक रो बना ली, अब राइट साइड पे आ जाएंगे फ्रेंड्स। यहाँ हम एक चेन कर लेते हैं और इसके बाद एक दो तीन चार स्टिच छोड़ देंगे, पांचवे में चले जाएंगे। इस तरह से एक स्टिच लगाया, यहाँ दो चेन की और वापस यहीं पे इसको टक किया। दो, एक दो चेन, यहाँ इसको टक करेंगे, तीसरा स्टिच लगाएंगे, दो चेन करेंगे तो यहीं पे इसको टक कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ हमने 7 स्टिच लगाने हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक, ये 7 स्टिच लगाने हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, इसको हम यहाँ पे टक कर लेंगे, ये 4 छोड़ के जैसे स्टार्टिंग में किए। यहाँ फिर 1 2 3 4 सेम उसी तरह से यहाँ पे बनाना है, हमने 7 स्टिच फ्रेंड्स इसमें लगाने हैं।
सात स्टिच फ्रेंड्स यहां आएंगे हमारे और यहां इसको टक कर लेंगे। ये फर्स्ट रो हमारी बन गई है। नेक्स्ट रो पे आ गए हैं। यहां फ्रेंड्स दो चेन करेंगे और हम चार स्टिच लगा लेंगे, एक दो तीन और एक चार। इसको फ्रेंड्स एक दो तीन तीन स्टिच छोड़ के चौथे पे टक करेंगे ऐसे। देखिए पीछे से फिर फ्रेंड्स यहां पे आ जाएंगे तो यहां पर हम सात स्टिच लगाएंगे, एक दो तीन चार पांच छः और एक सात। एक दो तीन चार चौथा स्टिच इस तरह से उठाकर हम यहां इसको टक कर लेंगे। यहां फ्रेंड्स चार स्टिच लगाएंगे लास्ट में, एक दो तीन और चार। ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट रो पे आ गए हैं। ये देखिए इस तरह से बन गया है। ये नेक्स्ट रो पे आ गए हैं। यहाँ फ्रेंड्स एक चेन बना लेंगे तो यहाँ जिस जगह पर हमने टक किया वहीं से ऐसे एक, फिर दो चेन बना के किनारी बना लेंगे साथ साथ। सात स्टिच हमने यहीं लगाने हैं। एक दो तीन चार पांच छः ये सातवां स्टिच आ गया। अब फ्रेंड्स इसको एक दो तीन चौथे स्टिच के ऊपर इसको टक कर लेंगे ऐसे। नेक्स्ट फिर यहां आ जाएंगे। एक दो तीन एक साथ और इसको
ये हम लास्ट में टक कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से ये बनता रह जाएगा आगे आके। अब आप बना के देखिए और फीडबैक मुझे जरूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।